गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग 3। तो गाइस, आज हम आए हैं मंजूनाथ टेंपल। और ये जो टेंपल है, ये बेसिकली शिव जी का टेंपल है और मैंगलोर में सबसे ब्यूटीफुल टेंपल में से एक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये टेंपल पूरा। ये है एंट्री गेट इस टेंपल का। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्म है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। सीढ़ी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, फ्लोर्स भी बहुत गर्म है, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर में। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एक जगह बनाया हुआ है, जहाँ के अलग अलग काम के लिए अलग अलग जगह है। हवन करने के लिए अलग जगह है, प्रसाद बांटने के लिए अलग जगह है, रहने के लिए अलग जगह है। और ये जो आप मेन टेम्पल सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली फोन यूज करना अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बना नहीं पाई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा टेम्पल है ये। और इसी टेम्पल में ऊपर सीढ़ी से चढ़ के एक लेफ्ट हैंड साइड में एक काशी भागीरथी का टेंपल आता है, जहां पे ये नियम है कि आपको यहां से जल लेके ऊपर शिव जी को चढ़ाना है। आप देख सकते हैं कितने लोग यहां आके जल लेके शिव जी पे चढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल टेंपल है। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, अब हम ऑटो लिए हैं और हम जा रहे हैं सुल्तान भटेरी। अब हम पहुंच चुके हैं सुल्तान भटेरी। मंजूनाथ टेंपल से सिर्फ 10 मिनट के दूरी में ही है। अब हम यहां से बोट लेंगे। आप देख सकते हो ये है बोट का लाइन। तो अब हम यहां से बोट लेके जाएंगे तनिर्भावी बीच। अब हम आ गए हैं तनिर्भावी बीच। बोट से यहाँ तक आने में सिर्फ 3 मिनट्स ही लगता है। ये बीच जो है ना गाइस, ये बहुत ही मतलब स्लैंटिंग है, इसीलिए लोग क्या यहाँ पे सिर्फ आते हैं, एंजॉय करते हैं, फोटोशूट्स करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे नहाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि ये बीच थोड़ा स्लैंटिंग है, इसीलिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी नहीं है, सिर्फ कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग है। और खाने पीने का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉनवेज यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा कुछ ये बीच में नहीं है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पनम्बूर बीच, जो कि यहाँ से 10 मिनट की दूरी में ही है। अब हम पहुंच चुके हैं पनम्बूर बीच। पनम्बूर बीच भी मैंगलोर का सबसे फेमस बीच में से एक है। बहुत ही खूबसूरत बीच है गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा शाम वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ का सनसेट देखना था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सनसेट तक रुकी हुई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। मैंने अपने लाइफ में कभी भी आज तक ऐसे बीच में कभी सनसेट को नहीं देखा है, पहली बार ही देख रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और शाम को ना यहाँ पे क्या होता है, म्यूज़िक चलने लग जाता है, आप बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे खाने का बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट्स किया हुआ है, वेज नॉन वेज सब कुछ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगा मुझे ये सब। तो अब हम जा रहे हैं वापस यहाँ से ऑटो से हमारा होटल BMS, जो कि सिर्फ 5 मिनट के दूरी में ही है। गाइस, अभी हम जस्ट होटल आए हैं। पनम्बूर बीच और तनिर्भावी बीच घूम के बहुत ही ज़्यादा हम टायर्ड हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। तो गाइस, ये था मेरा पूरा कंप्लीट मैंगलोर ट्रिप का ब्लॉग। मैंगलोर ट्रिप जो है वो बेसिकली एक बीच प्लेस है, और यहाँ पे जो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तनिर्भावी बीच, सेंट मेरी आइलैंड, मैल्पे बीच एंड पनम्बूर बीच, ये 4 बीच यहाँ के बहुत फेमस है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और एक टेम्पल है जो मैं गई थी, वो थी मंजूनाथा टेम्पल। वो बेसिकली शिव जी का टेम्पल है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। तो अगर कभी मैंगलोर अगर आने का प्लान कर रहे हो, तो ये 5 प्लेसेस आप जरूर से विजिट करिएगा, बहुत ही अच्छा है। और ये जो मैंगलोर ट्रिप है, ये 4 डेज का सबसे बेस्ट ट्रिप है। अगर आप 4 डेज कहीं बाहर जाना चाहते हो,
बहुत ही अच्छा जगह आप जाना चाहते हो तो मैंगलोर इज द बेस्ट प्लेस और बिल्कुल ये बजट फ्रेंडली ट्रिप है। तो गाइज मैं अपना यहीं पे ही बैंगलोर ट्रिप का पूरा ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मेरा एक एक ब्लॉग शेयर करके। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर मेरे वीडियोज अगर अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।